फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल जाधव AW अमरावती से, और आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑफबो प्रिंसिपल देखा था। ऑफबो प्रिंसिपल क्या होता है, ऑर्बिटल का एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है, ये सभी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ऑर्बिटल्स का ये सीक्वेंस भी हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने थे। देखिए, आज हम एक से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। मतलब हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम के बाद आता है लिथियम, देन आता है बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन। ये कार्बन तक के हम लिखेंगे सबसे पहले। देखिए, हाइड्रोजन का कैसे लिखेंगे, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। हमारा सीक्वेंस फॉलो करना है हमें। सबसे पहला ऑर्बिटल आता है 1s। देखिए, यहां पे याद रखिएगा कि हमने ये सीक्वेंस भी लिखा है एनर्जी का, और इनके ऊपर ये जो लिखी हुई है ये ऑर्बिटल्स के कैपेसिटी है। सो हमने कैपेसिटी और सीक्वेंस दोनों यहां पे लिखा है, हमें यही फॉलो करना है। सो देखिए, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो एटॉमिक नंबर 1 ही आएगा उसका। सो एक इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे 1s के पास, और 1s की कैपेसिटी तो 2 की होती है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है केवल 1। सो यहां लिखेंगे हम 1s1। सो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें लिखना है हीलियम का। सो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन है 2। सो दो इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहला ऑर्बिटल देखेंगे 1s है, सो हम यहाँ पे 1s लिख रहे हैं। 1s की कैपेसिटी होती है 2 की, और यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 2 है, सो हम यहाँ पे 1s2 लिख सकते हैं। अब यहां पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1s2 पे हमें रुकना है, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। सो ये हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो तीसरा आता है वो है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सो हम लिथियम को कैसे लिखेंगे। देखिए, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के लिए, सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में। 1s की कैपेसिटी 2 की होती है, सो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्यूपाई करा देंगे, क्योंकि कैपेसिटी 2 की है। सो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 3, उसमें से 2 1s में जा चुके हैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल, अब बचा हुआ केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जो जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में, और वो है 2s। सो कॉमा यहां पे लिखेंगे हम 2s, और 2s के में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन केवल एक ही बचा हुआ है। 2s की कैपेसिटी 2 की है, एग्रीड, लेकिन लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन केवल एक ही बचा हुआ है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 2s1। सो ये हो गया 1s2 2s1 लिथियम का। नेक्स्ट जाएंगे हम बेरिलियम के पास। सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। देखिए, पहला ऑर्बिटल 1s लिखे हैं, उसकी कैपेसिटी 2 की है, तो 1s2, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं। नेक्स्ट है 2s, सो यहां लिखेंगे 2s, 2s की कैपेसिटी भी 2 की है, तो यहां पे हम 2s2 लिख देंगे। सो 1s2 2s2 यहां पे हो चुका है। ये है हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम के बाद हम जाएंगे बोरॉन के पास, जिसके पास है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन यदि हैं, सो हमारे पास सबसे पहला ऑर्बिटल आएगा 1s, सो हम 1s2 लिखेंगे। देखिए, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 1s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फुलफिल हो गया है। नेक्स्ट ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल पैक होने के बाद नेक्स्ट जो बचता है वो है 2s, सो यहां लिखेंगे हम 2s। 2s की कैपेसिटी 2 की है, सो यहां पे हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे 1s2 और 2s2 मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, सो 1 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है यहां पे अभी। सो देखिए, ये 2 ऑर्बिटल पैक हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल है 2p, और हमारे पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन केवल अब 1 ही है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं, सो बाकी बचता है केवल 1। सो यहां पे लिखेंगे हम 2p1। सो ये होगा हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p1। सो ये है हमारे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन के बाद हमें देखना है कार्बन का। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला फिर 1s की तरफ हम जाएंगे। 1s2 कंप्लीट ऑक्यूपाई हो सकता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 आराम से इसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे। कॉमा करके नेक्स्ट ऑर्बिटल है 2s, सो यहां पे लिखेंगे हम 2s2। 2s2 के बाद नेक्स्ट आता है 2p,
सो यहां पे 2p लिखेंगे। देखिए चार इलेक्ट्रॉन यहां पे 1s और 2s में ऑक्यूपाई हो चुके हैं छह में से, सो छह में से चार इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अब केवल दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, सो 2p ऑर्बिटल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो ये हो गया आपका 2p2, सो 1s2 2s2 2p2, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन का। सो हमने हाइड्रोजन से कार्बन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहां पे लिखे हैं। नेक्स्ट हमें कार्बन से आगे के लिखने हैं। देखिए नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। देखिए इसका कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहला 1s की तरफ ही हमें जाना है, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन हम 1s2 में फिलअप करा देंगे, सो 1s2 पैक हो गया है। अब बच रहा है 2s, यहां लिखेंगे हम 2s। देखिए 7 में से 2 चले गए, अभी भी 5 बाकी हैं, 5 में से फिर 2 हम 2s के पास लिखेंगे, तो ये हो गया 2s2। सो देखिए 1s ऑर्बिटल कंप्लीट, 2s ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारा है 2p, और 2p की कैपेसिटी तो है 6 की, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी बाकी वो भी देखना पड़ेगा। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं 7 में से, तो अब बच रहे हैं केवल 3, सो यहां लिखेंगे हम 2p3। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन का, जो है 1s2 2s2 2p3। नेक्स्ट नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हमें ऑक्यूपाई कराना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s में, 1s2 हमने ऑक्यूपाई करा दिया है, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s में, सो हम कॉमा लिख के 2s2 भी लिख देंगे। देखिए 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गए हैं, अब बच रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट 2p में, सो यहां लिखेंगे हम 2p4, सो 1s2 2s2 2p4, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन का। सो आपको इन कॉन्फिगरेशन में से एक बात तो ध्यान में आ गई होगी कि आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, इसके अलावा दूसरा सीक्वेंस अलाउ नहीं होगा। सो ऑक्सीजन तक के हमने लिख लिए हैं, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9। देखिए 9 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप कराने हैं। देखिए 1s2 2s2, 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं 9 में से, अब बच रहे हैं केवल 5, और 2p की कैपेसिटी है 6 की, सो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे 2p में चले जाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम 2p5। देखिए ये हो गया आपका 2p5। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। देखिए नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप कराने हैं, सो पहले फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2 2s2। देखिए 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गए हैं, अब बच रहे हैं 6, और नेक्स्ट ऑर्बिटल है आपका 2p, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल तो ऑलरेडी पैक हो चुके हैं, सो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 2p, और 2p की कैपेसिटी है 6 की, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी बच रहे हैं केवल 6, सो हम पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन 2p में फिलअप कर देंगे, और ये बन जाएगा आपका 2p6। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका नियॉन का। नेक्स्ट नियॉन के बाद नेक्स्ट आता है सोडियम 11। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 में हमें देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप कराना है, सबसे पहले 1s2 2s2, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, नेक्स्ट आता है 2p की कैपेसिटी है 6 की, अब देखिए 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन यदि फिलअप हो जाते हैं तो हमारे पास बच रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन हम 2p में फिलअप कर देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 2p6। सो 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, अब केवल एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, और 2p ऑर्बिटल भी पैक हो चुका है। इसके बाद का नेक्स्ट आता है 3s, सो हम 3s1 यहां पे लिख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम का एमजी में 12 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, सो हम लिख सकते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s, देखिए 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं 12 में से, और ये 3 ऑर्बिटल भी पैक हो चुके हैं, नेक्स्ट ऑर्बिटल है 3s जो हमने यहां पे लिख रखा है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं केवल 2, क्योंकि 12 में से 10 तो ऑक्यूपाई हो गए, बचे हैं 2, सो 2 के 2 पूरे इलेक्ट्रॉन ये 2s में चले जाएंगे, और हम लिखेंगे 3s2। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैग्नीशियम का। अब हमें देखना है एल्यूमिनियम का, सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। सो 13 का देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले
1s2 2s2। देखिए 13 में से 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। सो देखिए 1s2 2s2 ऑर्बिटल पैक हो चुके हैं। नेक्स्ट है 2p, हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है अभी। सो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे 9 में से। सो 2p6 हो गया। देखिए 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं 13 में से। अब बचे हैं केवल 3। 2p भी पैक हो चुका है। 2p के बाद नेक्स्ट आता है 3s। 3s की कैपेसिटी 2 की है, सो हम 3s2 लिख लेंगे यहाँ पे। सो अब केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग बाकी है और वो जाएगा 3p में, क्योंकि 2s भी पैक हो चुका है। सो नेक्स्ट आएगा 3p, और 3p की कैपेसिटी है 6 की, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है केवल 1। सो हमने लिखा है 3p1। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट आता है सिलिकॉन। सो सिलिकॉन का देखिए कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 2, 4, 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10 और 2, 12 इलेक्ट्रॉन पैक हो चुके हैं। अब बचे हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाएंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है 3s के बाद आता है 3p। सो 3p2, यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिलिकॉन का। सो सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप कराने हैं। सो ऑब्वियस है पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s की कैपेसिटी 2 की है, सो हम 1s2 लिखेंगे। सिमिलर 2s2 भी लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गए। नेक्स्ट आता है 2p, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं 15 में से। सो देखिए अब 5 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट ऑर्बिटल जो 3s है, सो 3s2 कर देंगे, और रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाएंगे 3p में। सो हम लिखेंगे 3p3। नेक्स्ट जो है वो है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, सो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गए हैं, 10 के बाद अभी भी 6 बाकी है। सो 6 के लिए नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 3s। सो 3s2 3s2 के बाद आएगा 3p। 3p में अब देखिए 12 हो गए हैं ऑक्यूपाई 16 में से, अब बच रहे हैं केवल 4। सो 4 के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 3p4। देखिए हमने सीक्वेंस चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। सो क्लोरीन का देखिए 1s2 2s2 2p6, 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10 के बाद 2p के बाद नेक्स्ट आता है 3s। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे हम, 3s के बाद नेक्स्ट आता है 3p। सो 3p लिखना है, और 3p की कैपेसिटी है यहाँ पे 6 की, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं केवल 5। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 3p5। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लोरीन का। क्लोरीन के बाद नेक्स्ट आता है आर्गन, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। सो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए 1s2 2s2 2p6, देखिए 1s 2s 2p, इन तीनों ऑर्बिटल को मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हमारे 18 में से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब बच रहे हैं 8। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हम नेक्स्ट ऑर्बिटल लेते हैं, वो है 3s। 3s की कैपेसिटी है 2 की। उसके बाद आता है 3p, और 3p की कैपेसिटी है 6 की। हमारे पास देखिए 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 में 6 और 1 मिला देंगे तो हमारे हो जाएंगे 8। ये हो जाएगा 3p6। सो नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6। देखिए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन पैक हो चुके हैं, 19 में से 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गए हैं, अभी भी 9 बाकी है। सो नेक्स्ट ऑर्बिटल है हमारा 3s। सो यहां पे लिखेंगे 3s2 और 3p6। देखिए 10 और 2 12, 12 और 6 18, मतलब देखिए यहां हमारे 3p तक का ऑर्बिटल पैक हो चुका है। जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो है 4s, और हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन बच रहा है केवल 1। सो हम लिखेंगे यहां पे 4s1। ये है पोटेशियम 19 का। इसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम से लेके जिंक तक के। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैल्शियम का। कैल्शियम में हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20। सो देखिए पहला 1s 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पैक हो चुके हैं। अब रिमेनिंग 10 के लिए नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 3s। सो 3s2 लिख लेंगे, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 की है। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, सो 3p6 लिख लिया हमने। सो ये हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, 10 12 और 6 18। सो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 20 हमें फिलअप करना है, 18 हो चुके हैं, बचे हैं केवल 2। सो नेक्स्ट आता है
4s और 4s की कैपेसिटी है 2 की, सो 4s2 ये हो जाएगा कैल्शियम का। सो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है। नेक्स्ट स्कैंडियम देखेंगे, स्कैंडियम 21। सो देखिए 1s2 2s2 2p6, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, 21 में से 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अभी भी 11 बाकी है, 2p तक के ऑर्बिटल पैक हो चुके हैं। नेक्स्ट है 3s, 3s2 3p6, देखिए 10 12 18, 21 में से 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं, अब बचे हैं केवल 3। देखिए नेक्स्ट 3p के बाद नेक्स्ट आता है 4s की कैपेसिटी 2 की है, तो यहाँ पे 4s2 लिखेंगे। सो देखिए 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, सो नेक्स्ट है 3d, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 3d1। ये है हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सिमिलरली हम टिटेनियम का भी लिखेंगे, टिटेनियम का 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 3s2 3p6, ये देखिए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पैक हो चुके हैं, अब बच रहे हैं केवल 4। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 चले जाएंगे 4s में, अब बचते हैं 2 जो जाएंगे 3d में, सो ये हो जाएगा 3d2। ये है टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेनेडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, हमें ऑक्यूपाइड कराने हैं टोटल 23, उसमें से 18 फिलअप हो चुके हैं, अब बच रहे हैं केवल 5। 5 में से 2 चले जाएंगे 4s में और रिमेनिंग 3 जाएंगे 3d में, सो ये हो जाएगा 3d3, जिसको हम कहेंगे वेनेडियम। यहां पे फ्रेंड्स हमें क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें स्पेशली अलग देखने हैं, क्योंकि इन दोनों के कॉन्फिगरेशन थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इन्हें हम एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। सो फिलहाल हम इनके कॉन्फिगरेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बाकी सभी के हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो आता है वो है Mn। Mn में 25 इलेक्ट्रॉन से, देखिए Mn के 25 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन हमारे हो चुके हैं, 25 टोटल इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप कराने हैं, उसमें से 18 इलेक्ट्रॉन हमारे फिलअप हो चुके हैं यहां तक, और हमारा 3p भी पैक हो चुका है। अब हमारे पास बचते हैं केवल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाएंगे, सो 4s2 हो जाएगा, और रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन के लिए हम 3d की तरफ जाएंगे, सो 3d5। ये है हमारा Mn का मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मैग्नीज के बाद आता है आयरन, आयरन 26, देखिए आयरन 26 कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो चुके हैं 26 में से, अब बचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में चले जाएंगे, सो बच रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे 3d6 में, सो ये है हमारा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आयरन के बाद नेक्स्ट आता है कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट का कैसा लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, जिसमें से 4s में चले जाएंगे 2 और रिमेनिंग 7 जाएंगे 3d में, सो हो जाएगा 3d7। सो ये है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कोबाल्ट के बाद आता है निकेल का, सो देखिए निकेल के लिए कैसे लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, 10 इलेक्ट्रॉन यदि बाकी है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाएंगे और रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाएंगे 3d में, सो ये हो गया निकेल का। यहाँ पे कॉपर का फिर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, जो हम इनके बाद में अभी देखने वाले हैं, सो इसका हमें अभी नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे Zn30 का। देखिए 30 इलेक्ट्रॉन है Zn के बाद जो हमें लिखना है, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरे इलेक्ट्रॉन 2s में, उसके बाद 2p6 में, देखिए सीक्वेंसली हमारे 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, सो 3s2 3p6 यहां पे हम लिखेंगे, सो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन पैक हो चुके हैं, उसके बाद हो जाएगा 4s2, अभी भी हमारे 20 इलेक्ट्रॉन पैक हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, सो वो पूरे के पूरे चले जाएंगे 3d10 में, सो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिंक का।
सो फ्रेंड्स, हमने हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे के पूरे यहाँ पे लिखे हैं। केवल दो एलिमेंट ऐसे बाकी हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है, वो है क्रोमियम और कॉपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होते हैं। हमारे दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पेंडिंग है, वो है कॉपर और क्रोमियम, जो कि हम स्पेशल केसेस कहते हैं, उन्हें हम एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब उनके एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।